नमस्कार साथियों, जिन पहाड़ियों की गोद में आज मैं मौजूद हूं, इसे महसूस करने यहां दूर सुदूर से लोग आते हैं। लेकिन आजकल जब इन पहाड़ों की हवाएं सियासी हो चली हैं, तब न्यूज क्लिक यहां ये जानने पहुंचा है कि सियासत की हवाएं आखिर किस ओर बह रही हैं, या फिर इन हवाओं में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियां अब भी अपनी जुबान में कहने से डरती हैं। जब हमने पहाड़ियों की नब्ज को टटोला तो सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया वो था छात्र संघ चुनाव का, जो 2013 से बैन, जिसकी वजह से हो रही परेशानियों को लेकर हमने छात्र संगठनों और छात्रों से बातचीत की। 2017 में बीजेपी पार्टी ने एक दावा किया, अपने मैनिफेस्टो के अंदर कोट किया कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे वो ऐसे चुनावों को बहाल करेंगे। लेकिन आज पूरे 5 साल हो गए, अगला विधानसभा का चुनाव आ गया है, लेकिन बीजेपी ने आज भी जो है ऐसे चुनावों को बहाल नहीं किया गया। इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त सत्ता के अंदर बैठी है, वो जो छात्रों के डेमोक्रेटिक राइट थे, जो छात्रों को एक मौका राजनीति में इन्वॉल्व होने का मिलता था, उसे आज उन छात्रों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। हम 2017 की बात करें तो जब बीजेपी सरकार इस सत्ता में आने की कोशिश कर रही, तो उन्होंने बड़े बड़े चुनावी वादे किए कि हम जब जैसे ही सत्ता के अंदर आएंगे हम जो है ऐसे चुनाव को बहाल करेंगे। लेकिन आज उस बीजेपी सरकार के भी जो 5 साल जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो सरकार भी इस कैंपस के अंदर या जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उसके अंदर ऐसे चुनाव को बहाल नहीं कर पाई है, क्योंकि वो इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जब जिस दिन वो इस कैंपस के अंदर छात्रों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको बहाल करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं जो SFI का दबदबा इस कैंपस के अंदर शुरू से ही है, वो कहीं ना कहीं जो छात्रों का लामबंद करते हुए, छात्रों को इकट्ठा करते हुए जिस तरह की लड़ाई SFI इस कैंपस के अंदर लड़ती है, कहीं ना कहीं उसी चीज़ से उनको डर है कि अगर ऐसे चुनाव जो बहाल किए जाते हैं तो फिर से इस कैंपस के अंदर जो है वो SFI अपनी जो SCA बनाने में कामयाब होगी। हम देखते हैं कि आज 5 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए हैं। हम देखते हैं कि सरकारें तो चुनकर आ रही है, लेकिन जब छात्रों की बात आती है, जब छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने की बात आती है, तो उनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है, उनके लिए सिर्फ नॉमिनेटेड बॉडी दी जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर जो कॉलेज कैडर की भर्तियां निकली है, 500 से अधिक पद उसके हैं, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे उसके अंदर जो है भर्तियां की जाएगी। इस तरह की धांधलियों को बढ़ावा देने के लिए SCA चुनावों को बैन किया गया है, और उन SCA चुनावों को आज कोई भी प्रदेश सरकार अपनी मैनिफेस्टो में नहीं कह रही है कि हम उसे लागू करेंगे, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ एक वाम दल है जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर अंकित कर रहा है कि छात्र संघ की बहाली छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और SFI उनका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। SFI इस साल जो है विधानसभा चुनाव में CPM पार्टी का जो है समर्थन करेगी, जो छात्रों के मुद्दों को लेकर इस बार बड़े क्लियर शब्दों के साथ जो है इस साल विधानसभा चुनाव में उतरी है। बात अगले मुद्दे की करें तो यहाँ पीने के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ियों के ऊपर बसे गांव आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। कहीं नल लग गए हैं तो उसमें पानी नहीं आता, तो कहीं कहीं लोगों को नीचे की तरफ आकर पानी ले जाना पड़ता है। जब हम लोगों से उनका दुख जानने कुल्लू की एक विधानसभा सीट बंजार पहुंचे तो कुछ लोगों ने बात की, बाकी लोग नेताओं का नाम लेने से डरते रहे। देखिए जी, जो बंजार विकास खंड है हमारा, जिला कुल्लू के अंतर्गत बंजार की बात कर रहा हूं मैं, इसमें हमारा जो ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत शिकारी घाट आता है और ग्राम पंचायत पलाच, ये 1997 में इनको सूखाग्रस्त पंचायतें जो है घोषित किया गया था। पानी की समस्या हमको पड़ी है, जैसे कि नीचे की आप भूमि दिखाई, जमीन दिखाई दे रही है, जैसे कि बड़े बड़े खेत है, इसमें कोई पानी की कोई समस्या नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि पानी के लिए कई भाई साहब बोलते थे कई सालों से कि हम पानी देंगे, कोई पानी नहीं आ रहा। जैसे कि हमारे पास एक ऊपर वाली स्कीम आई थी, और उसके बाद जब हमने पीछे खुला द्वार होता उसमें हमने कंप्लेंट की थी और पानी आ गया था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, और आजकल 1 महीने से पानी नहीं है। जैसे कि हमारे जो कर्मचारी जो फिटर है उन्हें कई बार कॉल करनी पड़ती है, लेकिन वो हमारी बात को नहीं मानते हैं। तो जगह जगह कनेक्शन देने की वजह से होगा कि भाई वहाँ जहाँ आपको पानी पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा है, तो इस करके वहाँ पर जो आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी है। इसके अतिरिक्त जो है प्लास का भी मैंने आपको बताया, वहाँ भी दिक्कत है। दूसरे आपका जो हमारे इधर के जो तीर्थन वैली के जो एरिया है वहाँ पे भी पानी की कई पंचायतों में जो है बहुत समस्या है। हिमाचल के गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, जहाँ अस्पतालों का शिलान्यास तो कर दिया गया लेकिन उद्घाटन की राह वो आज भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे हॉस्पिटल, जिसका शिलान्यास पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जी ने किया था, आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया, जबकि वर्तमान विधायक बंजार से रहे यहाँ सुरेंद्र शौरी जी,
और साथ में लगते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी है उनका, और बंजार और सराज का कॉन्स्टिट्यूंसी आपस में लगता हुआ है और उनके हालात आज तक ये हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं कर पाए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया और यहाँ के जो जितने भी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के सराज के सीएम के और बधाई के, यहाँ के बधाई के, जब भी कोई बीमार हो जाता है तो हमें यहाँ से कुल्लू जाना पड़ता है, जबकि यहाँ स्वास्थ्य के बुरे हाल है। यहाँ किसी भी तरह की कोई मशीनरी नहीं है, किसी भी तरह का कोई डॉक्टर नहीं है। दो दिन के लिए डॉक्टर आता है, चौथे दिन डॉक्टर चले जाता है और यहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल है, खासकर स्वास्थ्य की दृष्टि से। जब यहाँ पर विधायक जी विधायक बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि 5 साल बाद जो ये हॉस्पिटल पूरा आपको तैयार करके मिलेगा, लेकिन आज तक बहुत ही हालत खराब है यहाँ की। इसके अलावा पूरे देश में हिमाचल प्रदेश के सेब की 21% हिस्सेदारी है, लेकिन विडंबना है कि इससे जुड़े किसान और कारोबारी अपने हक का पैसा ही नहीं पाते। सेब के कारोबार से जुड़े लोगों की परेशानियां जानने के लिए हमने उनसे बातचीत की। देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हमें मालूम है कि पूरे का पूरा जो अर्थशास्त्र है, पूरे की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वो जो है सेब की बागवानी पर टिकी है। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि शिमला ज़िला जो सेब बहुल इलाके के लिए जाना जाता है, जहां हम इस वक्त हैं, इस वर्ष और इससे पिछले वर्ष कुछ सालों से इस तरह का जो कोलैप्स इस इकोनॉमी के अंदर आया है वो बहुत ही चिंतनीय है। इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप्स है, सबसे बड़ा जो रोल है, वो गवर्नमेंट को इनिशिएट करने की ज़रूरत है। वो क्यों इनिशिएट करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो हम नोटिस कर रहे हैं एज ए फार्मर ऑफ एप्पल कि जो इनपुट कॉस्ट है हमारी एप्पल के अंदर वो लगातार जो है इंक्रीज़ हो रही है। जो बागवानों को जो है सब्सिडीज़ मिलती थी उसके अंदर जो है सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। जब सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए है तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स घराने हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। जो सही मायने के अंदर सेब का बागवान है वो जो है कर्ज के बोझ के तले दब रहा है। सर, जैसा कि आपने हमारी जो खेती है उस पर सेब पर ही यहाँ निर्भर है, बागवान भाई हैं तो हमारे सेब पर ही निर्भर है, और इस बार जो हमें उचित दाम मिलने थे उसका भी कोई सरकार ने प्रबंध नहीं किया, और हमारे जो सेब है इसकी जो हिमाचल प्रदेश में 600 करोड़ की क्षमता है वो बागवान भाइयों को इसमें बहुत ही कम दाम मिले, जो कि ना के बराबर हम लेबर का भी खर्चा पूरा नहीं कर पाए। अभी हाल ही में सरकार ने जो हमारे उस पर अनुदान देना था सेब पर वो भी बंद कर दिया, जबकि 9-10 रुपए वो हमारे से वो सेब खरीद रहे हैं, और इसमें हमारी जो किसानी है बागवानी पर वो भी ख़त्म हो चुकी है। हम लेबर का पैसा भी है तो वापस नहीं कर पाए, और इतने दाम है तो पेटियों के बढ़ा दिए सरकार ने, जिस पर कि कोई भी अंकुश नहीं सरकार का। हमने कई बार सरकार से भी निवेदन किया कि जो किसानों के कार्टन की कीमत है, पेटियों की कीमत है, इसको कम किया जाए। सेब की खेती है पिछले कुछ वर्षों से है ना सरकार की अनदेखी के चलते हुए ये संकट में जा रही है। आम किसान से जो एक ग्रेड का सेब है वो 50 रुपए किलो एवरेज जो है ना किसान को मिल पाता है, और जो कंज्यूमर एंड पे है वही सेब 350 रुपए किलो जो है वो कंज्यूमर को मिलता है। इसके बीच में जो ये गैप है ना, ये जो गैप है वो इसके प्रति जो ना सरकार की काफ़ी नकारात्मक रवैया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये अभी शायद नौबत नहीं आई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ वर्षों के अंदर जो है किसान जो है इस खेती को छोड़कर जो है बिल्कुल आत्महत्या की कगार पर भी आ सकता है। आखिर में बात ऐसे लोगों की जिनके गांव के बीचों बीच टोल प्लाजा खोल दिया गया है, जिसके कारण अगर वो अपनी गाड़ी से आधा किलोमीटर भी दूर इधर उधर हो जाए तो उन्हें टैक्स देना पड़ता है। ऐसा दावा टोल प्लाजा पर बैठे ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर युवा संघ और सारे टकोली गांव के लोग, यहाँ पर जो टोल प्लाजा लगा हुआ है टकोली के बिल्कुल बीचों बीच, इसके लिए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आज हम लोगों को 9वां दिन है तो लगातार हमारा धरना जारी है। हमारा जो है पूरा गाँव इसमें हिस्सा लेता है, कभी सुबह कभी रात, मतलब निरंतर
धरना चलने के बावजूद भी आज हमारा 8वां या 9वां दिन है। ये जो टोल प्लाजा लगा हुआ है बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ है, हमारे जो सारे ऑफिस हैं, बाली चौकी वीडियो ऑफिस है, आईपीएच ऑफिस है, पीडब्ल्यू ऑफिस है, वो टोल प्लाजा से इस तरफ है, सब्जी मंडी इस तरफ है, और जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है और बाकी जो सारी सुविधाएं हमारे टोल प्लाजा के दूसरी तरफ को है। इसका जो है गांव का जो बंटा धार किया गया है एनएच के द्वारा सोची समझी साजिश है, क्योंकि यहाँ जो जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये जो जमीन है, हम बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ भूमिहीन हुए हैं, भूमिहीन होने के बावजूद भी हमारे को इस टोल प्लाजा में एनएचए के द्वारा किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं दी गई। इस टोल से गुजरने के दौरान हमको यहाँ पर पहले टोल देना पड़ेगा, जिसका अभी तक जो हमें बताया गया है अंदाजन 80-90 रुपए एक तरफ का जो है शुल्क काटा जाएगा। हमारी ये मांग है प्रशासन से और सरकार से भी, हमारी ये मांग है कि टकोली पंचायत को टोल फ्री किया जाए और जो 21 पंचायतें उनके लिए पास मुहैया कराया जाए। उम्मीद है कि हवा हवाई और बड़े बड़े राजनीतिक वादों से थोड़ा वक्त निकालकर ये नेता जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की ओर भी देखेंगे, ताकि उन्हें भी उनका हक मिल सके, उनका परिवार भी सुख से जी सके। धन्यवाद।